बताओ नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था क्या उसे बनाने के लिए? जो अपनी क्या देगा कि डॉलर 80 से नीचे चला गया रुपया डॉलर के मुकाबले, इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते, इस चीज का डंका बज रहा है। देखिए संसद भी प्राइवेट होने वाली है, अब भारत प्राइवेट लिमिटेड भारत हो कौन ही, जब भारत की धरोहर बदल सकती है तो भारत का संविधान भी इनको बदलने। देखो ये पत्रकार मान गया कि देश का प्रधानमंत्री 420 है, वरना अगर अग्निवीर इतनी अच्छी है तो IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, नेता वीर बनाओ, सबको वीर बना दो। अशोक की लाट बदल सकती है, ऐसे भारत का संविधान बदल सकता है। जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना भारत का रुपया गिर रहा है। ना हिंदू राष्ट्र रहेगा ना ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा, इसे लंका बनाने की तैयारी है। हरिंदर ताऊ जी, आज आप जंतर मंतर फिर आ गए हैं जी, क्या कारण आने का आपका? आज विकलांगों ने एक धरना रख रखा है और उन्होंने मुझे बुलाया है, तो वो विकलांगों के साथ उनका समर्थन करने के लिए आए। तो क्या समस्या है इनके, क्या इनकी मांगे हैं? देखिए विकलांगों का जो RPD एक्ट 2016, उसे विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं। कोई भी भारत सरकार हो चाहे केंद्र राज्य सरकारें हों या केंद्र शासित प्रदेश हों, तो सबसे बड़ी मांग है कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करें ताकि विकलांगों का भला हो सके, और आज उसे ठंडे बस्ते में रख करके बैठा है। अरे आपसे छोड़िए, बड़ा मुद्दा है, पार्लियामेंट बन रहा है, कह रहे बहुत सारी चीजें बदलाव होंगी, बिल्कुल बदलेंगी, सरकारें भी बदलेंगी और भारत का संविधान भी बदलेगा। संविधान बदलेगा क्यों नहीं, जब भारत की धरोहर बदल सकती है तो भारत का संविधान भी इनको बदलने। आप लोग बोलते ही रहेंगे, कुछ करेंगे, जमीन पे उतरेंगे कि जमीन पे नहीं, और क्या हम आसमान में उड़ रहे हैं? हम तो हमेशा जमीन पे रहते हैं, आसमान में तो देश का प्रधानमंत्री उड़ता है। सूरज चांद छोड़ के सब कुछ बदलने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, पूरब से पश्चिम होने वाला है, तो बदले कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम पहले से कह रहे हैं वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि देश में जो हमारा संविधान है उसे खत्म करने की एक साजिश चल रही है और RSS का संविधान यहाँ लागू करने की तैयारी, बिल्कुल। ये अब देख लेना, जैसे अशोक की लाट बदल सकती है ऐसे भारत का संविधान बदल सकता है। जितना रुपया नहीं गिरता भारत, जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा उतना भारत का रुपया गिर रहा है, तो ये क्या इससे बड़ी बात है? अशोक की नई लाट लगाएगी आपको कैसे क्यों? देखिए नई लगाओ कोई बात नहीं है, उसका स्वरूप क्यों बदल रहे हो? तो भारत का स्वरूप, जो भारत की धरोहर है उसका स्वरूप बदलोगे? स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। देखिए आपको मैं तीन चीज बता देता हूँ और तीनों में कंप्रोमाइज कर लेना, देश की जनता भी सुन ले कि आप रामचंद्र जी की तस्वीर कैसी देखते थे। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी के कंधे पे धनुष होता है और बिल्कुल शालीन तक उनकी तस्वीर आपके घरों में भी होगी, आपने मंदिरों में भी देखी होगी, लेकिन RSS का आप देख लेना उसके अंदर ऐसे करके तीर लेके खड़ा है उनका राम ऐसा है। आप हनुमान जी की तस्वीर देख लेना कितनी सौम्य तस्वीर है, और इनके हनुमान जी को देख लेना कितने रुद्र रूप में है, और इसी तरह आप भारत की अशोक की लाट देख लेना और इनका इनकी अशोक की लाट देख लेना, जो मोदी की अशोक की लाट है उसको देख लेना उसका कितना रुद्र रूप है। क्यों नहीं कर सकते? तुम अपना एक नया बनाओगे, तुम नया भगवान बनाओगे, कौन से रूप में दिखा है तुमने? तो ताऊजी अशोक स्तंभ जो बना था तो ये भी तो किसी ने बनाया है, पहले से इसका स्वरूप थोड़ी ना तैयार था, ये भी तो बनाया है ना, अब इसको थोड़ा सा ही तो चेंज किया। तो जिसको आपने भारत का स्वरूप बना दिया और भारत की एक आकृति बना दी, अशोक की लाट बना दी, भारत का चिन्ह बना दिया, अगर आप उसे बदलोगे तो कैसा लगेगा? ताऊजी देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इस चीज का। किस चीज का? के डॉलर 80 से नीचे चला गया रुपया डॉलर के मुकाबले, इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते, इस चीज का डंका बज रहा है, किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना। ताऊ जी जो मोदी जी जो भी बिल लेके आते हैं सबसे पहले
उसका जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं, विरोध आप करते हैं, चाहे किसान बिल लेके आए, नोटबंदी लेके आए, जीएसटी लेके आए और कारगिल का जो मसला था उसको भी आप लेके आए थे, क्या है विरोध करने का कारण? अच्छा एक फायदा बता दो, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी में कोई खामी निकले तो जिस चौराहे पे कहोगे, बताओ कौन से चौराहे पे गया? मान लिया ना आपने क्या नोटबंदी? मान लिया ना क्या नोटबंदी? हाँ। अरे क्या मान लिया, बताओ ना नोटबंदी के फायदे, बताओ ना देश को है? बताओ देश क्या बता, जितनी ब्लैक मनी थी सब बाहर आ गई, कहां बाहर आ गई, आपके लिए कोई फायदा नहीं? कहां ब्लैक मनी कहां आई है? जितना पैसा था सारा आरबीआई में जमा हुआ, तो कहां गई ब्लैक मनी वो बताए? मोदी जी बहुत चिल्लाते थे कि भाइयों बहनों जिस दिन जो है ये काला धन विदेशों से वापस आ जाएगा 15-20 लाख तो फोकट में आपकी हर आदमी की जेब में आ जाएगा, वो फोकट का तो आया नहीं स्विस बैंक में, मोदी के राज में वो तिगना हो गया काला धन। एसबीआई प्राइवेट होने वाली है, है? देखिए संसद भी प्राइवेट होने वाली है, अब भारत प्राइवेट लिमिटेड भारत होगा। हाँ। ये करेंगे बैंक को कैसे देख रहे हैं आप इस समय? अग्निवीर का जो मसला क्या देख रहे हैं? देखिए अग्निवीर होगा या नहीं होगा, जनता लड़ रही है और करा के मानेगी? कहाँ लड़ रही है, वो तो भर्ती जो है सबने फॉर्म भर दिया, आप कह रहे हैं कि कोई खिलाफत कर रहे हैं आप लोग तो? 44 लाख। हाँ। कितनी भर्ती थी, वैकेंसी कितनी है? 3,500। कैसे मिल जाएगी? देखिए अगर अग्निवीर ऐसा अच्छा है, जो व्यक्ति अग्निवीर की प्रशंसा करता है वो अधिकारी हो या नेता हो, वो अपनी परमानेंट नौकरी छोड़ करके तब इसके फायदे बताए, वरना अगर अग्निवीर इतनी अच्छी है तो आईएएस वीर बनाओ, पीसीएस वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, नेता वीर बनाओ, सबको वीर बना दो ताकि देश की जनता मोदी से भी 420 है, कुछ भी हो जीतेगी मोदी। अच्छा इसका मतलब मोदी 420 है? देखो ये पत्रकार मान गया कि देश का प्रधानमंत्री 420 है। ताऊ जी जब से अग्निवीर आया है एक नेता उभर के आया है, कहा जी मैं अपनी पेंशन खत्म कर रहा हूँ, वरुण गांधी ने कहा मैं पेंशन नहीं लूंगा, तो क्या और नेताओं को ये काम करना चाहिए? देखिए जिसके पास राशन मोटरसाइकिल होगी उसका राशन कार्ड खत्म होगा, और जिसके पास फॉर्चूनर होगी वो विधायक और सांसद पेंशन लेगा, ये इस देश का नियम है, ये नियम है। मोदी जी बता दो 5 साल बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। ताऊ जी आपको डर नहीं लग रहा आप यहाँ से बोलने? क्यों मैं संसद मार्ग पास में और पार्लियामेंट भी पास में, तो क्या हो गया? हाँ। क्या बोलना? देखिए आप वहां जाओ राजस्थान में, हत्यारे बीजेपी से कनेक्टेड थे, जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया बीजेपी की आईटी सेल का हेड था, देवेंद्र आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए पकड़ा गया, उसे किसने क्लीन चिट दी ये बता दो? हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे बढ़ जाएगा? इन्हें सबको मार दोगे, बनने जा मुस्लिम ईसाई अन्य बौद्ध इन्हें सबको फांसी दोगे? ये ना हिंदू राष्ट्र रहेगा ना ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा, इसे लंका बनाने की तैयारी है। मोदी हिंदू राष्ट्र मोदी को पहले देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी परसों लुलु मॉल की उद्घाटन हुआ है, लुलु मॉल लखनऊ में हुआ है और वो मुस्लिम का मॉल है, उसके मालिक का मालिक जो है मुस्लिम है। क्या क्यों मुस्लिम का मॉल है, वे अपने मॉल में कुछ भी करे? योगी जी ने लगा दी जानकारी नहीं है, उन्होंने भी कहते हैं कि इससे किस जानकारी हमें नहीं थी, नमाज पढ़ने के बाद नहीं पढ़ने देंगे। हाँ तो क्यों मॉल वालों ने क्यों पढ़ने देंगे नमाज? क्यों संसद किसकी है? संसद किसकी है? भारत की है, नरेंद्र मोदी की है, मान गए? बस तो ये तुम मान जाओ, ये मान जाओ, बताओ नरेंद्र मोदी अपने बाप की जमीन बेच के लाया था क्या उसे बनाने के लिए, जो अपनी क्या देगा? देश का तपस्या है, है? 40 साल की तपस्या वनों में की जाती है, संसद में नहीं। वनों से करके संसद आए वनों से कर जो गुफाओं से संसद की तरफ आओगा
उसे साधु नहीं, उसे स्वाधु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाधु। स्वाधु हाँ।